अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बकरी ईदी स्पेशल, कच्चे कीमे के कबाब। तो ये तो हर एक घर में बनते ही हैं, लेकिन बकरी ईद में जो बनते हैं उसका मज़ा ही कुछ और होता है और बहुत शौक़ ज़ौक से खाया जाता है। हर घर में कबाब पहली फरमाइश होती है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने मटन का कीमा ले लिया है 1.5 किलो यानी 250 ग्राम। इसमें एक ब्रेड डाल दिया है तोड़कर, ऐसी रफली तोड़कर डाल देना है। ब्रेड हम इसलिए डाल रहे हैं कि कीमे के में जितनी नमी होगी या पानी होगा थोड़ा बहुत भी, तो ब्रेड सोख लेगा, उसको बाइंडिंग देगा, इसलिए ब्रेड डालना ज़रूरी है। अब चलिए इसका हम एक अच्छा सा डो बना लेते हैं, स्मूथी डो यानी एक अच्छा गाढ़ा पेस्ट बना के पीस लेंगे। अब इसे बाउल में शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए हमारा पीस गया है कीमा। इसमें एक छोटी प्याज हमने चॉप्ड कर ली चॉपर में और दो हरी मिर्चें डाल दिए। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, कम या ज़्यादा। हरा धनिया और पुदीना बारीक काट के डाल देंगे। कुटा भुना ज़ीरा ये 1 टीस्पून डालेंगे और धनिया पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। मेरा कीमे के हिसाब से ही मसाला पड़ रहा है। अगर आप लोगों को आधा किलो में बनाना है, 500 के जी में बनाना है, तो आप लोग वो हिसाब से इसका मसाला डबल कर दें। अब गरम मसाला मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है और नमक 1 टीस्पून डाल दिया है। अदरक लहसुन 1/2 टेबल स्पून डाल देंगे। आधा नींबू का रस भी इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं उसी तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले हमारे कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाएं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। जितने अच्छे से मिक्स करेंगे टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। अब इसे एक स्मोकी फ्लेवर दे देंगे। कोयला मैंने जला के रख दिया है फॉइल पेपर पे और 1 टीस्पून ऑयल डाल दिया उस पर, तो स्मोक आने लगी। अब इसको ढक्कन ढक देंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन खोलेंगे। हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसके टिक्की बना के तेल में डाल देंगे। हमें शैलो फ्राई करना है और इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। आपको डीप फ्राई करना डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो पहले मैंने 4 बड़े बड़े बना के डाली थी कबाब गोल शेप में। अब उस कीमा श्रिंक होता है, सिकुड़ जाता है, इसलिए ऐसे ऐसे करके मैंने कबाबों को ज़्यादा करके डाल दिया है फ्राई होने में। और कुछ के शेप मैंने लंबे लंबे बनाए हैं सीख के जैसे, तो वैसे भी बना सकते हैं। आप लोगों को जैसा पसंद है वैसा बनाएं। तो देखिए हमारा रेडी हो गया है, सर्विंग डिश में निकल गया है सीख कबाब और गोल वाले कबाब, हमारे कच्चे कीमे के कबाब। अभी चटनी जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आप लोगों को, हरी चटनी। तो ये देखिए कितने मज़े के कबाब हो रहे हैं, गरम गरम खाएं चटनी लगा के, और ये जूसी भी है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी कबाब बने हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रख।